आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए चाप जो कि बॉइल करके काट के रख दिए हैं, टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, काजू। मसालों में चाहिए हमें तेज़पत्ता, लौंग दो, इलायची दो और दो काली मिर्च। ये हमारे मसाले, ये चाप मसाला, ये आमचूर, ये हींग, ये जीरा और ये कस्तूरी मेथी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि हम उन्हें बाद में पीस सकें। इसके लिए हम डालेंगे सरसों का तेल, इसको थोड़ी देर गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे सब्जियां। इसमें हमने डाले हैं कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और दो बड़ी मिर्च। इसको हम फ्राई करेंगे और साथ में डाल लेंगे काजू। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसके बाद इसको हम पीसेंगे। तो ये हमारी सब्जियां हमने हल्की फ्राई कर ली है, इनको हम अलग से निकाल लेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं चाप को फ्राई। चाप को हमने पहले पानी से धोकर उसमें गर्म पानी डाला और उसके बाद उसकी कटिंग की। गर्म पानी डालने से चाप सॉफ्ट हो गए, जिसके बाद उनके पीसेस कर सके। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये हमारे चाप फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसको हम प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। तो अब हम टमाटर और जो हमारी मसाले हैं उनको पीसने के लिए तैयार हैं। यह हम ऑलरेडी फ्राई करके रख चुके हैं, इसको हम डालेंगे मिक्सी में, जार में इसको डालेंगे। पानी इसमें नहीं मिलाएंगे वरना इसमें ये बहुत ही पतला हो जाएगा। डालेंगे टमाटर जो कि हमने पहले ही काट के रख लिए थे। इसको चलाएंगे। तो ये हमारे प्योरी जो सारे प्याज, टमाटर, मिर्च, काजू, उसको पीसने के बाद इस तरह की हमारी प्योरी बनती है। तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं और हम भी रेडी हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले डालेंगे हम हींग, जीरा, ये है, इसको थोड़ी देर हल्के सा फ्राई होने देंगे। अब इस पर डालेंगे तेज़पत्ता, ये इलायची, लौंग,
और काली मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे अपना जो पेस्ट है, ये डाला इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा ये पानी हल्का सा इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेस्ट ये तैयार हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी सी, इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाले पक जाएंगे उसके बाद ही हम अपने चाप जो कि फ्राई किए हुए हैं उनको डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने फ्राइड चाप। अच्छे से मिला लेंगे। पकने के लिए इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर, थोड़ा सा ही डालेंगे वरना ज्यादा डाल लेंगे तो बहुत ही खट्टा हो जाएगा। ये है आपका चाप, क्योंकि जब आप चाप लेंगे उसी के साथ मिलता है ये। ग्रेवी देख सकते हैं आप, कितनी थिक ग्रेवी बनी है इसकी। अब इसमें डालेंगे हम अपनी कसूरी मेथी। ये हमारी कसूरी मेथी गई, हमने इसमें अपने सारे मसाले डाल लिए हैं। अब बस इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, लो फ्लेम में ढक्का रख देंगे इसे। पांच मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे लो फ्लेम में, फिर हमारी जो चाप वो तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारी ग्रेवी है चाप, सोया चाप ग्रेवी, ये पक चुकी है, अच्छे से कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं ग्रेवी को कितनी थिक है और पूरे मसाले चाप के साथ अच्छे से मिल चुके हैं। आप भी इसे एक बार घर में ट्राई ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दें। ऐसी ही वीडियो दोबारा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।